सीमा शिवरे। कांग्रेस के टाइम पे 70 साल कांग्रेस ने राज किया, महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? जब बलात्कार हुआ करते थे, डाकू पलते थे, बम स्पोर्ट हुआ करते थे, तब लाइट नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, बच्चे चिमनी में पड़ा करते थे। आज महिलाओं को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का कद बढ़ाया है, सशक्तिकरण बढ़ाया है, जिससे आज हम जैसी महिला खुल के बाहर आ रही है, पढ़ लिख रही है, नौकरी कर रही है। महिलाएं सशक्त हुई है, आ रही हूँ सर। महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर वन है देश में। मैं नहीं बोल रहा, एनसीआरबी बता रहे हैं। जो आरक्षण की बात करते हैं वो हमारी देन है, आपने तो छुना लिया हमसे। और बहन जी अभी कह रही थी डॉक्टर साहब कि उज्ज्वला योजना दी, माफी चाहूंगा बहन जी, आपकी महारानी चूल्हे पे रोटी बना रही, वो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कहाँ है आपका? अभी अभी बात आई कि युवाओं को रोजगार की व्यवस्था शासन ने नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में ये बात सही है, यहाँ पर प्रचार में तो उत्साह नजर नहीं आ रहा, लेकिन जनता यहाँ की काफी उत्साहित है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 करोड़ से ज्यादा युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कर उनको कुशल बनाने का काम, अपना स्वरोजगार खड़ा करने का काम इस देश में किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी बात आ रही थी कि श्रीमंत सिंधिया जी ने क्या किया, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने किया होता तो मैंने कहा था कि 5 निशान बताएं। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से लेकर गुना, ब्यावरा, देवास तक 4 लेन बनाने का काम इस क्षेत्र में किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कह रहा हूँ मैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। उसके बाद इस शिवपुरी शहर में पेयजल की समस्या थी, यहाँ मणिखेड़ा से पानी लाने का काम कोई ने किया तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस देश में एनटीपीसी का एक, वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में रहते हुए किया। अरे मैं कांग्रेस, आप अपनी पीठ अपने घर पर जाके थपथपा लेना, मैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूँ। इस देश में एनटीपीसी का इंजीनियरिंग कॉलेज अकेला इस देश में कहीं है तो वो सतनवाड़ा में 150 करोड़ रुपए की लागत से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाने का काम किया। इस शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज 190 करोड़ की लागत से यदि किसी को श्रेय जाता है तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। उन्होंने 190 करोड़ की लागत से शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम किया। केपी यादव ने क्या किया? केपी यादव जी ने भी प्रयास कर अरे केपी यादव जी ने यहाँ ट्रेनों के स्टॉपेज बनाने का काम किया, ट्रेन की दूसरी लाइन जुड़वाने का काम किया, मेडिकल कोरोना के काल में यहाँ अस्पतालों को अपनी सांसद निधि से फंड देकर लोगों की जान बचाने का काम गिनवा दिया उन्होंने। तो आप 5 पॉइंट गिनवा दीजिए। अब मैं पहले इनके जवाब दे दूं, इन्होंने जितने काम बताए भले वो जिनका नाम लिया श्रीमंत ने किए, लेकिन वो श्रीमंत उस समय कहाँ थे, किस पार्टी में थे, किस कौन सी विचारधारा रखते थे, चुनाव कौन लड़ रहा है? कांग्रेस में थे। जो जितनी योजनाएं, 5 काम जो मांग रहा है ना, ये 5 काम कांग्रेस के ही तो हैं किसके? उनतीस में से एक आ पाई। इनसे ये पूछ लो आप तो, दीदी आपका स्वागत है शिवपुरी में, बहुत भले लोग हैं। थैंक यू भैया। ये 29 सीटों में से कितनी आ रही हैं? मैं कह रहा हूँ 29 की 29 आ रही हैं। ये कसम खा जाए आत्मा पे, हाथ रख के दिल पे, कितनी कह पा रहे हैं? 100% में जिन्हें कह पाएंगे 5 आ रही हैं, एक भी नहीं आ रही। और ये जो कह रहे हैं ना, क्या ये गाड़ी भी बेच रहे थे विधानसभा में, 44,000 से आ रहे हैं, 44,000 से आ रहे हैं। दीदी ये गर्दन की हमने चाहते नहीं, गर्दन मत काटे, इनकी गर्दन नहीं कटवाना। मैम अभी ये बोल रहे थे कि जो के एजुकेटेड लोगों को रोजगार कहाँ से मिले, ये बोल रहे थे। उनने जब बोला कि मैं वो रोजगार दूंगा तो शिवपुरी में स्किल इंडिया प्रोडक्ट के तहत। एक मिनट भैया, आप क्यों खड़े जा रहे, बैठ जाइए और नारे मत लगाइए कोई भी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ शिवपुरी में वोल्वो, आइसर और बहुत सारी कंपनी अप्रेंटिस करा रही है, जिससे 1800 शिवपुरी के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है, जिनकी सैलरी आज 20,000 के ऊपर है। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है, 15 लाख पे जवाब देना।
सारे जवाब आप ही दे देंगे क्या? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैडम आपका स्वागत है शिवपुरी में। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सबको अपील करना चाहूंगा, पूरी गुना शिवपुरी लोकसभा को, ये हमारा सौभाग्य है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम की बात कर रहे हैं ये लोग, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी व्यक्ति से अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या चीज है। नाम काफी है, नाम ही काफी है, नाम के साथ में विकासकार भी काफी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इस मंच से, ये बात कर रहे हैं विकासकार की, श्रीमंत सिंधिया की एक पर्ची पर 500 करोड़ रुपए का फंड सीएम साहब दे सकते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया। जिस कैंपस में खड़े हुए हैं आईबी सेंटर, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कैंपस है। मेडिकल कॉलेज जिस रोड पे आप शहर में आज आप घूमी है, मेरे ख्याल से आज शहर में आपके काफी सारी जगह गई, आपने रोडों का डेवलपमेंट देखा होगा, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। तो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारा ये सौभाग्य है। चिल्लाइए मत, एक मिनट जी सर। कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, क्या कर रही कांग्रेस? उनका प्रत्याशी क्या है? कई देश में चुनाव के लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे, हमारा निर्विरोध घोषित हो गया सूरत से, इनके पास आदमी नहीं है। कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे और बीजेपी में ज्यादा कांग्रेस छोड़कर लोग जा रहे हैं ना, ये कहना चाहते हैं आप, है ना? नरेंद्र मोदी की लहर है और सिंधिया के काम बोल रहे हैं, 3 साल में ये कुछ नहीं कर पाएंगे। 6 लाख से ऊपर सिंधिया की जीत होगी, 6 लाख से ऊपर। ठीक है आंटी जी, कुछ कहना चाह रही जी? आंटी जी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से सारी प्लानिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल टच में नहीं है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया और उस राज में उन्होंने हमारे बच्चों का नैतिक स्तर, हमारे बच्चों के संस्कार तक खत्म कर दिए। इतने सालों में सबसे बड़ी बात यही हुई है, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? जो नारे लगाएगा ना वो बाहर जाएगा सीधा। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार स्थापित हुई है, उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का काम किया, चाहे आतंकवाद की विषय पर हम ले लें, 2014 के पहले तक इस देश में कहां बम का फटाका फट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। 2014 से आज तक कोई बता दे कि आतंकियों की हिम्मत नहीं है कि वो आतंक कर दें। यदि किसी ने जो जुर्रत करने का भी काम किया है तो पाकिस्तान में अंदर घुसकर उसको सबक सिखाने का काम कोई ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इनके प्रधानमंत्री थे तो सफेद कबूतर उड़ाया करते थे मनमोहन सिंह, जब आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काटकर फुटबॉल खेलते थे, जब हमारे खून हमारे नसों में खून खोल जाता था, तो इनके प्रधानमंत्री सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश देते थे। वो नरेंद्र मोदी है 56 इंच सीने वाला, दो बार, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार अंदर घुसकर आतंकियों को सफाया करने का काम इस देश में कोई ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे धर्म की बात हो, ये बात कर रहे थे कि धर्म की बात करते हैं, हाँ हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहले किसी का हक है तो वो मुस्लिमों का है। ये देश मुस्लिमों का नहीं, ये सबका है देश, ये हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, मुस्लिमों का भी है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस वाक्य को लेकर हम शासन करने वाले लोग हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र